बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स। मेल फंक्शनिंग का मतलब है बैड यानी ख़राबी। अगर लाइसोसोम के अंदर कुछ ख़राबी आ जाए, अपने जो उसका स्पेसिफिक फंक्शन है वो अगर सही तरह से ऊपर पाम न कर रहा हो, तो सेल के अंदर इसके कौन से बुरे असरात मुरतब होंगे। तो जैसे हम सब जानते हैं कि लाइसोसोम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली हैं जिसका काम सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल की ब्रेक डाउन करना है। तो लाइसोसोम जो है लीड टू वेरियस हेल्थ इश्यूज। अगर इसके अंदर मेल फंक्शनिंग आ जाए तो जो एक ऑर्गेनेली है, ये ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होती हैं तो ये इसके ब्रेक डाउन करती है। इसके साथ सेलर कंपोनेंट्स के तौर पर ये मौजूद होता है। जो भी सेलर कंपोनेंट्स की डाइजेशन करनी होती हैं, उसको रिमूव करना होता है, या इसे फूड की रिक्वायरमेंट्स के तौर पर अगर हम देखें तो जितने भी सेलर कंपोनेंट्स हैं उसकी ब्रेक डाउन वगैरह, ये काम ये लाइसोसोम्स की हैं। तो अगर इसकी ब्रेक डाउन ना हो रहा हो तो इट मीन्स दैट दीज थिंग विल बी एक्युमुलेटेड इन इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी एक्युमुलेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हो जाएंगे। और यही चीज़ें जब एक्युमुलेट हो जाएंगे तो इट मीन्स दैट दे विल कॉज डिफरेंट डिजीज इनसाइड द सेल। जैसे अगर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी डाइजेशन नहीं हो रही तो ये एक्युमुलेट हो जाएंगे, और इस एक्युमुलेशन होने की वजह से डिफरेंट डिजीज़ जो है वो काज हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर ग्लाइकोजन है, इसकी एक्युमुलेशन हो रही है तो इसका एक्युमुलेशन भी हार्मफुल है, इससे एक बीमारी जो है वो लाहिक होगी। इसके साथ अगर लिपिड्स की बात की जाए तो लिपिड्स भी इसकी अगर एक्युमुलेशन होती है तो लिपिड्स भी एक बीमारी जो है वो कॉज करेगी। तो जितने भी चीज़ें हैं जिनकी रिप्रोडक्शन और जिनकी ब्रेकडाउन अगर ना हो रहा हो तो ये कॉज करेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिजीज़। और यही स्टोरेज डिजीज़ किस की वजह से होगी? ड्यू टू द मेल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब बात करें उसके मेल फंक्शनिंग की कि उसके वजह से कौन कौन सी बीमारी लाहिक होती है, तो इसमें ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 एक डिजीज़ है जो कि एक्युमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल सेल्स की वजह से हो जाता है। यानी बहुत सारे ग्लाइकोजन जो है वो लिवर सेल्स में जमा हो जाते हैं और मसल सेल्स में वो जमा हो जाते हैं, तो इसी की वजह से एक बीमारी कास होती है जिसको ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 कहा जाता है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, जिसको अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम कहा जाता है, जिनका काम होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। लेकिन अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम्स की एब्सेंटी जो है ये कॉज करता है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 के डिजीज़ को। इसके सिम्टम्स में क्या क्या आते हैं? इसके सिम्टम में मसल वीकनेस जो है कॉज होता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है, इनलार्ज हार्ट और फटीग जो है ये उसके बड़े बड़े सिम्टम्स हैं। दूसरा जो इसके डिजीज़ है जो इसकी मेल फंक्शनिंग की वजह से कास होती हैं, तो वो टेसेक्स डिजीज़ हैं जिसमें एकुमुलेशन ऑफ लेपिड्स होती हैं। और ये लेपिड्स क्यों एकुमुलेट हो जाते हैं? ये एक एंजाइम्स की वजह से, हेक्सोज अमाइनिडेज एंजाइम की लेकनेस की वजह से जो लेपिड्स होती हैं इसके डाइजेशन नहीं होती। अगर इसके डाइजेशन नहीं होती तो इसकी एकुमुलेशन हो जाती हैं और इसी की वजह से टेसेक्स डिजीज़ वो कॉज हो जाती हैं। और इस वजह से मेंटल रिटार्डेशन कॉज होता है और साथ में ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करता है।